गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, बैच फ्यूचर कंप्यूटर इंस्टीट्यूट पर आपका स्वागत है। चलिए, कल के लेसन में हमने आपको बताया था होम टैब के बारे में। होम टैब क्या होता है, होम टैब का प्रयोग क्या होता है, इसके बारे में हमने आपको कल समझाया था। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि इंसर्ट टैब क्या होता है, इंसर्ट टैब के सारे कमांड्स के बारे में हम आपको आसानी से अच्छी तरह से बताऊँगा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम टेबल पर जाते हैं। इंसर्ट टैब का टेबल है, टेबल पर हम क्लिक करते हैं और टेबल में जैसे हम जाते हैं तो यहाँ से हम इस तरीके से इसको सेलेक्ट करके ओके कर लेते हैं। जितना हमें टेबल का कलर चाहिए वो हमारा बन के आ गया है। तो आपको दोस्तों हमने पहले से होम टैब में बता दिया था कि यहाँ से भी हम टेबल का फॉर्मेट सेट और चेक कर सकते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं पिक्चर। पिक्चर पर जैसे हम क्लिक करते हैं दोस्तों, तो हमें यहाँ से हमें कोई पिक्चर सेलेक्ट करने के लिए बोलता है। हम जहाँ भी हमारी पिक्चर्स हो हम वहाँ से सेलेक्ट करके क्लिक करके उठा सकते हैं पिक्चर। जैसे हमने इस पिक्चर को सेलेक्ट किया और इंसर्ट पर क्लिक कर लिया। इंसर्ट पे जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो यहाँ से हम छोटा बड़ा पिक्चर को कर सकते हैं अपने अपने अनुसार, और इसको हम जहाँ भी रखना चाहें इस तरीके से रख सकते हैं। अधिकांशतः दोस्तों कि हमने इसके बारे में आपको ऑफिस बारे में अच्छी तरीके से बता दिया है बारीकियों से, इसमें हम नॉवल बताएंगे आपको। जैसे हमने पिक्चर्स को बना लिया है, पिक्चर से यहाँ से हम छोटा कर सकते हैं, यहाँ से हम रोटेट घुमा सकते हैं पिक्चर्स को, और इसके साथ साथ यहाँ जैसे पिक्चर भी सिलेक्ट है इसलिए इसमें फॉर्मेट टैब खुल रहा था। जब पिक्चर सिलेक्ट ना हो तब नहीं खुलता है। इस पर हम क्लिक करेंगे, फॉर्मेट आ गया है। तो फॉर्मेट में जैसे ब्राइटनेस का प्रयोग होता है, ब्राइटनेस हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद जो कॉन्टेक्स्ट है, कॉन्टेक्स्ट कम या ज़्यादा हम कर सकते हैं अपना पिक्चर्स का। इसके बाद रीकलर में हम फोटोज़ का जो रीकलर होता है वो भी कर सकते हैं कोई भी कलर्स में। यहाँ से हम पिक्चर्स को चेंज करना चाहते हैं तो पिक्चर्स को हम चेंज भी कर सकते हैं। जैसे हमें इसकी जगह पे कोई दूसरा पिक्चर्स लेना है तो वो भी हम ले सकते हैं। जैसे हमने पिक्चर्स को सिलेक्ट किया, इसको हमने ये चेंज कर लिया है। यहाँ पिक्चर्स की कुछ स्टाइल दिया है, हम पिक्चर्स की स्टाइल पर जाके पिक्चर्स का स्टाइल चेंज कर सकते हैं अपनी आवश्यकता अनुसार। यहाँ बहुत सारी स्टाइल दिए हैं, हम कोई भी स्टाइल पर क्लिक करके उसको हम स्टाइल्स में कर सकते हैं। यहाँ पिक्चर्स का शेप्स है, जिस आकृति में आपको करना है वैसे भी आप कर सकते हैं। यहाँ से बॉर्डर्स आप चेंज कर सकते हैं, जिस बॉर्डर्स में आपको करना है तो अपने पिक्चर्स का बॉर्डर चेंज हो जाएगा। यहाँ से आपका बॉर्डर हट जाता है और यहाँ से बॉर्डर्स मोटा पतला कर सकते हैं, यहाँ से डैश स्टाइल में कर सकते हैं। तो जैसा भी आपको करना है अपने अनुसार आप कर सकते हैं। प्रीसेट्स में आप यहाँ से आप कोई भी स्टाइल्स को और अच्छा तरीके से अपना बदल सकते हैं। जितना अच्छा बेस्ट बनाना चाहें उतना अच्छा बेस्ट आप कर सकते हैं आप क्लिक करके। और इसके बाद यहाँ से शैडो है, शैडो आप बदल सकते हैं जो भी शैडो में करना हो अपना पिक्चर्स को, या परछाई देना है। जैसे इसमें देखो पीछे अगर परछाई दिख रही है तो इस तरह से आप शैडो कर सकते हैं। तो दोस्तों इसमें जैसे हमने अभी आपको बताया है कि पिक्चर्स का प्रयोग क्या होता है, कैसे किया जाता है, अब हम आपको नेक्स्ट चलते हैं, इसको हम डिलीट कर लेते हैं। जैसे सेलेक्ट करके हम डिलीट दबा देते हैं, एडिट हो गई है दोस्तों। इसी तरह से एक क्लिप आर्ट होता है सेम, अगर पिक्चर्स हमारे कंप्यूटर्स में नहीं है तो हम क्लिप आर्ट ले सकते हैं। अगर क्लिप आर्ट नहीं लेना है तो हमने पहले आपको बता दिया था, छोटी छोटी क्लिप होती हैं पिक्चर्स होती हैं। शेप, शेप्स का प्रयोग होता है, जैसे हम कोई भी आकृति यहाँ से बना लेते हैं। जैसे हमने कोई एक आकृति इस तरह से बना ली, यहाँ से छोटा बड़ा कर लेते हैं, यहाँ से हम इसका कुछ चेंजिंग कर लेते हैं। जैसे देखो ये चेंज हो गया है, अब इसमें भी बॉक्स आ रहे हैं, यहाँ से हम द्वारा ही बना सकते हैं। यहाँ से हम शेप से स्टाइल चेंज कर सकते हैं, यानी कलर वगैरह अगर यहाँ से नहीं करना है तो हम यहाँ से भी कर सकते हैं जो कलर दिखाई दे रहे हैं। और भी आए इसी शेप्स फिल में, यहाँ से हम नो कलर कर सकते हैं। फिर से आए यहीं पर क्लिक करके मोर फिल कलर से, अभी आप जैसे यहाँ पर क्लिक करके ऐसे भी भर सकते हैं, या आप यहाँ से भी आप डार्क कर सकते हैं। यानी जैसा भी आपको कलर बनना है अपने आवश्यकता अनुसार आप बना सकते हैं आसानी से। इसके बाद पिक्चर्स पर क्लिक करेंगे तो इसके अंदर एक पिक्चर्स भी आप डाल सकते हैं। जैसे जो भी पिक्चर्स आप सेलेक्ट करके डाल देंगे वो डल जाएगी। इसके बाद है ग्रेडियंट कलर, अगर आपको मिक्स कलर भरना है तो आप यहाँ पर जाके मोर ग्रेडियंट पे जाके, और आपको जैसे टू कलर्स बनाना है ग्रेडियंट में तो आप ग्रेडियंट फिल पे जाएंगे और यहाँ कलर बन करेंगे। जैसे आप जैसी भरना चाहें उस तरह से आप भर के और आप ओके कर देंगे, आपका ओके हो जाएगा, ये यानी सेलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आप और भी जाएंगे, टेक्सचर कलर हैं, प्लाई जैसे, संगमरमर जैसे कलर हैं, आप जो भी भरना चाहें वो भर सकते हैं। यहाँ से शेप्स का आउटलाइन कलर है, आउटलाइन कलर जैसा भी देना चाहें वो भर सकते हैं। आउटलाइन को मोटा पतला करना जैसे भी करना है वो आप कर सकते हैं। यहाँ से डैश स्टाइल भी आप कर सकते हैं अपनी आवश्यकता अनुसार, आप इसमें सेट कर सकते हैं। इफेक्ट है, इफेक्ट से आप यहाँ से प्रीसेट में कर सकते हैं अपने बना हुआ जो शेप है। यहाँ से आप शैडो यानी परछाई में डाल सकते हैं, जो परछाई ग्लो में, आप ग्लो में जाएंगे कलर आता है, तो इस तरीके से आप ये कर सकते हैं। यहाँ से जब हम बायआर्ट करेंगे, बायआर्ट लिखेंगे तब बायआर्ट की स्टाइल आएगी। यहाँ से बायआर्ट चेंज करेंगे, हम आगे आपको इसके बारे में बताएंगे बायआर्ट कैसे बनाया जाता है।
इसके बाद दोस्तों स्मार्ट आर्ट होता है। स्मार्ट आर्ट से आप कोई भी प्रकार का जैसे मैथ कैलकुलेशन में कुछ बनाना चाहते हैं तो आप देख रहे हैं यहाँ से, आप कोई भी लेके और आप इनमें से क्लिक करके, ऐसे क्लिक करके ओके करके आप उसको बना सकते हैं। यहाँ जो लिखा है यहाँ आप लिख सकते हैं, और कलर मलर जो चेंज करना है तो आप कलर कर सकते हैं, आपको पता है, आप जानते हैं सारी चीज़ यहाँ से ऐड कर सकते हैं। ऐड करना है शेप्स को तो ऐड पर आप जाके और भी शेप्स कर सकते हैं, तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। तो इसको तो मैं आपको बता दिया है पहले से, आप इस वर्ड में आप इसका प्रयोग करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब दोस्तों आते हैं हम चार्ट में। चार्ट एक अपना बहुत अच्छा होता है, सबसे बेस्ट माना जाता है। हम बहुत ही कम सरल भाषा में अच्छी तरह से समझाएंगे, आपको समझना है। जैसे हम कुछ हमने डाटा टाइप कर लिया, जैसे हमने एक साइड लिख लिया नेम, एक साइड लिख लिया रुपी, यानी कि इन लोगों के पास इतना इतना पैसा है। हम चार्ट पर जाते हैं, अगर हमें इस तरीके से कोई बनाना हो तो हम इस पर क्लिक कर लेते हैं। तो आप देख रहे होंगे राम का जो है ना, तो 20 तक गया है ये चार्ट ग्राफ का, ये इसका ग्राफ 50 पे गया है, सीता का 10 पे गया है। तो इसमें भी सेम ऐसे ही लिखा है राम का 20। इस तरह से हमें अगर कलर में चेंज करना है तो कलर पर भी क्लिक करके हम चेंज करें, डिलीट करना है तो सेलेक्ट करके डिलीट भी कर सकते हैं। इसके बाद हम फिर से इंसर्ट पे आएंगे, ये लाइन के हिसाब से, लाइन में आप जैसे इस तरह से बनाना चाहें तो इस तरह से चार्ट बन के आ गया। और इसी को हम दूसरे तरीके से बनाना चाहें तो पाई में भी हम बना सकते हैं। ऐसे पाई में क्लिक किया तो ये बता रहा है राम का ये कलर है, श्याम का ये, सबका कलर आ रहा है, यानी कृष्णा का ये वाला कलर है। देखो ये छोटा सा है, यानी कि 5% है, यानी कि इसमें लिखा कृष्णा 5, तो यानी 5%। तो इस तरह से भी हम इसको बना सकते हैं। नेक्स्ट तरीके से हम इस तरीके से बना सकते हैं, यहाँ एरिया तरीके से बना सकते हैं, जैसे कि पहाड़ों, जैसे कि इसका यहाँ गया इनका, ऐसा ऐसे तरीके से जैसे हम मैनेज कर सकते हैं। इसके बाद और भी है इसमें चार्ट में, स्कैटर है, स्कैटर का प्रयोग होता है कि हम इसे बिंदु करके रख सकते हैं, बिंदी बिंदी करके दिखाइए, यानी सभी एक से हैं बट थोड़ा थोड़ा चेंजिंग आता है और कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बस थोड़ा समझने का। माय डियर फ्रेंड्स, अब हम आपको बताते हैं हाइपरलिंक क्या होता है। इसे सेलेक्ट करते हैं हम कोई शब्द पर, अगर हम इस पर कोई फाइल फोल्डर म्यूजिक वीडियो कुछ भी डालना है तो सेलेक्ट करते हैं और इस हाइपरलिंक पर जाते हैं। यहाँ से हम जैसे कोई भी फाइल अपना सेलेक्ट करके हम डाले देते हैं, हम डी ड्राइव में गए और हमने ये ब्राइट फ्यूचर नाम से फोल्डर ही डाल दिया और ओके कर दिया। तो दोस्तों इस पर डल गया है, जहाँ इस पर क्लिक करेंगे तो जी खुल के आ जाएगा हमारे सामने। तो इस तरीके से देखो ये फोल्डर खुल के आ गया, इसको हम बड़ा करके देख सकते हैं या काट सकते हैं। तो इस तरीके से हम हाइपरलिंक डाल सकते हैं। हटाना है दोस्तों तो उसी पर आपको जाना होगा, आपको रिमूव क्लिक करना होगा, ये रिमूव हो गया है। तो हमें लगता है दोस्तों आपको फिर अब दोस्तों अब आगे चलते हैं टेक्स्ट बॉक्स की ओर। टेक्स्ट बॉक्स क्या होता है, एक टेक्स्ट यानी टेक्स्ट लिखने का वाला, और बॉक्स मतलब एक डिब्बा, यानी कि लिखने वाला एक डिब्बा आ जाता है। आप लिख सकते हैं इसमें आसानी से, आप टाइप कर सकते हैं, अभी टाइप करना है, डिलीट करना है, आप सेलेक्ट करके डिलीट भी कर सकते हैं इसको। इसके बाद हम फिर से सेट मेन्यू पर जाते हैं और हम बार आर्ट पे आते हैं। बार आर्ट का प्रयोग होता है कोई भी स्टाइल में हम बार आर्ट लिख सकते हैं। जैसे अभी ये आ गया, हम इसमें अगर अपना नाम लिखें तो हम अच्छी तरह से इसमें लिख सकते हैं, और इसका फॉर्मेट भी आता है। यहाँ से हम कलर वगैरह इसका चेंज कर सकते हैं जैसा भी हमें करना है। हमने आपको पहले से ऑलरेडी बता दिया था जिस स्टाइल में आपको करना है उस स्टाइल में कर सकते हैं आप, यहाँ से इस तरह से कर सकते हैं, यानी कि साथ ही चेंज कर सकते हैं। तो ये होता है बार डाट, आप किसी भी स्टाइल में इसको बना सकते हैं, रख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम हेडर एंड फुटर। हेडर एंड फुटर का होता है दोस्तों, हेडर ऊपर पेज के और पेज के नीचे। हमने ऑफिस वाले में इसको अच्छे तरीके से बताया था, इसमें भी हम बता देते हैं। जैसे अभी हमने यहाँ क्लिक किया, यहाँ हमने डाल दिया पेज नंबर डालना है जैसे हमें, तो हमने यहाँ हेडर में पेज नंबर डाल दिया, और यही नीचे हम जैसे ही नीचे आए थोड़ा सा नीचे हमें फुटर डालना है। तो हम यहाँ फुटर में जाएंगे, इसका फुटर नीचे खुलेगा, जैसे ही आ गया फुटर, फुटर में हमें डालना है DFCIT। दोस्तों हमने फुटर में डाल दिया है, हमें यहाँ क्लिक कर लेना है, इसमें कुछ नहीं करना है आपको। यहाँ क्लिक करके आपको नॉवल पर पेज पर क्लिक कर लेना है, तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि आपका हेडर फुटर दिखाई नहीं दे रहा है। तो ध्यान रखें कि ऑफिस एक्सेल में हेडर फुटर ऐसे नहीं दिखाई देते, आप प्रिंट निकालते हैं या प्रीव्यू देखते हैं तभी दिखाई देता है। दोस्तों देखो ये ऊपर दिख रहा है वन, और नीचे जो हमने लिखा है फुटर में, ये आपको यहाँ से दिखाई दे रहा है। अब दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा सिग्नेचर लाइन कुछ नहीं, ऑब्जेक्ट से हम डायरेक्ट कोई प्रोग्राम चला सकते हैं और उस पर काम करके उसकी फाइल को इसमें ले सकते हैं। सिंबल से हम कोई प्रतीक ले सकते हैं, ऐसे हमें यहाँ पर डालना होगा, जैसे कोई प्रतीक लेना है डब्लू भाषा दबाएंगे या सबसे नीचे चले जाएंगे हम, तो जैसे हमने बैबिंग पे क्लिक कर लिया, ये हमें कैची लेना है, हमने इसको क्लिक करके इंसर्ट कर लिया, ये हमारा आ चुका है। इसको हम क्लोज करके और इसमें जो भी करना है हम जैसे डैश लगा देंगे, जो भी करना है हम इससे कर सकते हैं। तो हमें लगता है आप समझ गए होंगे सिंबल का प्रयोग। ऑब्जेक्ट हम एक बार बता देते हैं, ऑब्जेक्ट पर जैसे हम क्लिक करते हैं, हम बिटमैप इमेज चलाना चाहते हैं, जैसे हम इस प्रोग्राम को चलाएंगे और इसमें काम कर लेंगे, जैसे हमने काम कर लिया और इस फाइल को हम क्लोज कर देंगे, तो इसकी फाइल तो बंद हो जाएगी लेकिन इसकी जो फाइल है उसमें आ जाती है। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आपको अच्छा तरीके से इनका टेप समझ में आ गया होगा। अधिक जानकारी के लिए आपको सेंटर पर